हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम डिटेल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ छड़ा चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमएससी बीएससी के सब्जेक्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का एक टॉपिक है एंड आईसीआर एएसआर भी नेट एग्जामिनेशन है जो फूड साइंस की उसके सिलेबस का भी एक टॉपिक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यूनिट में आप चेक कर सकते हो सिलेबस में, ठीक है। तो चेडार चीज़ को बनाने के लिए फर्स्टली मिल्क को रिसीव किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि ओनली जो हाई ग्रेड मिल्क होगा वही हमें हाई ग्रेड चीज़ दे सकता है। जो फिनिश्ड चीज़ होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा हमारे पास, उसकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि इनिशियल क्वालिटी का मिल्क हमने कैसा यूज़ किया है। चीज़ इज़ नो बेटर देन द मिल्क फ्रॉम विच इट इज़ मेड, ठीक है। तो मिल्क को रिसीव करने के बाद मिल्क में हम ग्रेडिंग करते हैं मिल्क की। फर्स्टली हम ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। अगर हमें ऑफ फ्लेवर डिटरमाइन होता है तो वो मिल्क है जो अनअसेप्टेबल होता है, ठीक है। सेकेंडली जो अपेयरेंस है मिल्क की उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो मिल्क में सेडिमेंट्स होते हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है, आइदर वंस अ वीक और एवरी 10 डेज इन ईच कैन ऑफ द मिल्क। उसके बाद हम एमबीआरटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एमबीआरटी टेस्ट मतलब कि मिथिलीन ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट। इसको परफॉर्म करने के लिए हम नोन वॉल्यूम लेते हैं मिल्क का, उसके बाद करेक्ट अमाउंट है जो एमबीआरटी डाई की हम उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइम में वो डाई है जो मिल्क में से रिड्यूस हो रही है। अगर वो डाई हाफ आवर में ही रिड्यूस हो जा रही है तो मिल्क गुड क्वालिटी का नहीं है। अगर वो डाई 4 से 5 आवर्स में मिल्क में से रिड्यूस हो रही है तो मिल्क है जो गुड क्वालिटी का है। ये जो टेस्ट है वो हमें बताता है कि मिल्क में कितना माइक्रोबियल कंटेंट या फिर माइक्रोबियल लोड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। एमबीआरटी टेस्ट करने के बाद टाइट्रेबल एसिडिटी है जो मिल्क की डिटरमाइन की जाती है। टाइट्रेबल एसिडिटी मिल्क की इज इक्वल टू नेचुरल और डिवेलप्ड एसिडिटी। नेचुरल एसिडिटी तब डिवेलप होती है जब जो ग्रुप हैं सिट्रेट और फॉस्फेट ग्रुप जो कि मिल्क में प्रेजेंट है वो जब डिसॉल्व हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सपोज होके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिल्किंग या फिर उसके बाद, तब नेचुरल एसिडिटी है जो डेवलप होती है। सेकेंड एसिडिटी होती है रियल और डिवेलप्ड एसिडिटी। ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और लैक्टोज इन द मिल्क। तो जो टाइट्रेबल एसिडिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम नोन वॉल्यूम लेंगे फ्लास्क में मिल्क का, उसमें फिनॉल पिथिलीन की इंडिकेटर को ऐड करेंगे, ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप। उसके बाद ब्यूरेट में हम स्टैंडर्ड एल्कली लेंगे, उसके साथ हम मिल्क को टाइट्रेट करवाएंगे तब तक जब तक उसमें लाइट पिंक कलर हमें ऑब्टेन नहीं हो जाता और रीडिंग्स को नोट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम चेक करते हैं मिल्क में इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद बैक्टीरियोफेज एंटीबायोटिक्स एंड इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को मिल्क में से एग्जामिन किया जाता है। ये सारी ग्रेडिंग करने के बाद मिल्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्वालिटी अगर एक्सेप्टेंस लाइक है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड मिल्क को हम वे करते हैं, ठीक है। मिल्क को वे करते हैं, उसमें फैट एंड जो केजियन कंटेंट है उसको डिटरमाइन किया जाता है। वे करने के बाद फैट एंड केजियन कंटेंट को डिटरमाइन किया जाता है एंड मिल्क को प्री हीट किया जाता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो प्री हीट करने के बाद मिल्क की हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन और क्लेरिफिकेशन का एक पर्पस होता है कि जो भी विजिबल डर्ट हो मिल्क में उसको रिमूव करना। तो उससे क्या होगा, जो एस्थेटिक क्वालिटी है चीज़ की वो इम्प्रूव होगी। तो उस फिल्ट्रेशन एंड क्लेरिफिकेशन से हम पहले प्री हीट इसीलिए करते हैं ताकि हमारी जो फिल्ट्रेशन एंड क्लेरिफिकेशन है मिल्क की वो एफिशिएंट तरीके से हो सके। फिल्ट्रेशन एंड क्लेरिफिकेशन करने के बाद मिल्क को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो इसमें जो एडजस्टमेंट की जाती है केजियन फैट रेशो की मिल्क चीज़ मिल्क में, जो कि होती है 0.68 से 0.70। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे कि फैट को रेगुलेट करने के लिए,
ड्राई मैटर होगा जो चीज़ का, उसको रेगुलेट करने के लिए स्टैंडर्डाइज करते हैं टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज़ पर केजी ऑफ फैट इन चीज़ मिल्क। स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद मिल्क को पैश्चराइज किया जाता है। यूजली इसमें फर्स्ट होल्डर मेथड होता है जिसमें 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए मिल्क को पैश्चराइज करते हैं, एंड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है जिसमें हम 71 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड्स के लिए मिल्क को पैश्चराइज करते हैं। मिल्क को पैश्चराइज करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि सारे के सारे पैथोजेंस हैं जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो फॉल्ट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको रिमूव करने के लिए, किल करने के लिए पैश्चराइज किया जाता है, एंड मिल्क है जो उससे हमें यूनिफॉर्म प्रोडक्ट या फिर हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, इसलिए हम मिल्क को पैश्चराइज करते हैं। यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए पैश्चराइज करते हैं मिल्क को। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं पैश्चराइजेशन की, तो इसकी वजह से जो टिपिकल फ्लेवर होता है, बॉडी होती है चीज़ की, पैश्चराइजेशन के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट इंटेल अ लॉन्गर राइपनिंग पीरियड, एंड ये लो क्वालिटी मिल्क को भी इनकरेज करता है, एंड जो ओवरऑल कॉस्ट होती है चीज़ मेकिंग की वो भी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। मिल्क को पैश्चराइज करने के बाद मिल्क में हम एडिशन करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। एक्सेसिव हीट ट्रीटमेंट के कारण जो कैल्शियम सॉल्ट होता है मिल्क में प्रेजेंट, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिसके कारण जो रेनेटिंग एक्शन होगा वो स्लो हो जाएगा एंड वीकर कर्ड फॉर्म होगी। तो इसे हम करेक्ट करने के लिए 0.01 से लेके 0.03% कैल्शियम क्लोराइड को मिल्क में ऐड करते हैं। एडिशन करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड की हम स्टार्टर ऐड करते हैं, राइपनिंग करते हैं, ठीक है, मिल्क में। तो राइपनिंग और सोरिंग है जो मिल्क की, वो हमें बताती है कि मिल्क में एसिडिटी की डेवलपमेंट करना ही राइपनिंग होती है, ठीक है। फ्रॉम द टाइम इट इज़ रिसीव्ड इन द चीज़ वॉट अंटिल रेनेटिंग, चीज़ मिल्क में राइपनिंग हम एडिशन करके स्टार्टर की करते हैं, एंड जो स्टार्टर होता है वो चीज़ का हार्ट होता है। अगर हम बैड स्टार्टर यूज़ करेंगे तो लो क्वालिटी का चीज़ हमें हमारे पास बन के आएगा। तो गुड स्टार्टर यूज़ करेंगे, बट उससे क्या होता है, कंटामिनेटेड मिल्क जैसे डिफेक्ट भी आ सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स के चीज़ स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं, जैसे वो डिफरेंट टाइप के एसिड अरोमा या फिर स्पेशल इफ़ेक्ट हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। छडार चीज़ बनाने के लिए हम STR.lactis एंड STR.saccharomyces जो स्टार्टर है इनको ऐड करते हैं। जो यूजुअल टाइम होता है स्टार्टर ऐड करने का, वो जब हम मिल्क को रिसीव कर लेते हैं वॉट में, उसके बिफोर होता है, ठीक है। जो अमाउंट होती है स्टार्टर की वो 0.5 से 1% होती है मिल्क में, एंड टेम्परेचर है जो 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस होता है मिल्क का जब हम स्टार्टर ऐड करते हैं। जो स्टार्टर है उसकी क्वालिटी को पहले हमें एग्ज़ामिन करना होगा, उसको देखना होगा कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इट शुड देन बी स्टर्ड अंटिल स्मूद एंड क्रीमी इन कंसिस्टेंसी, देन स्ट्रेन्ड एंड एडेड इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड मिक्सड थॉरली एंड यूनिफॉर्मली इनटू द मिल्क। जो राइपनिंग है उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है डिज़ायरेबल कर्ड की, एंड फेवरेबल बैक्टीरियल फ्लोरा है जो डेवलप होता है, एंड मॉइस्चर में खुद से ही कंट्रोल होता है। तो स्टार्टर ऐड करने के बाद, राइपनिंग करने के बाद ऐड करते हैं हम कलर को ऐड किया जाता है। जब हम कलर ऐड करते हैं, इट इज़ एडेड जस्ट बिफोर रेनेटिंग से पहले हम कलर को ऐड करते हैं। जो यूजुअल अमाउंट होती है कलर ऐड करने की वो 30 से लेकर 30 to 200 ml होती है, या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। बफेलो मिल्क के लिए अगर हम 1000 kg ऑफ मिल्क यूज़ कर रहे हैं, जो कलर है पहले उसको हम डल्यूट करते हैं 20 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर उसको एजिटेट किया जाता
होता है यूनिफॉर्मली रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो कलर है चीज़ में जो हम ऐड करते हैं वो यूजली एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है अनेटो का। रेनेट एंड कलर शुड नॉट बी मिक्स्ड टुगेदर बिफोर बीइंग एडेड टू द मिल्क। तो कलर ऐड करने के बाद रेनेटिंग स्टेप आता है। रेनेटिंग जब हम रेनेट मिल्क में ऐड करते हैं चीज़ बनाने के लिए तो उसे हम रेनेटिंग या फिर सेटिंग भी बोलते हैं। फर्स्टली अब रेनेट होता क्या है। रेनेट एक क्रूड प्रेपरेशन है, एक एक्सट्रैक्ट है जो कि अबोमसम से लिया जाता है। इसमें जो रेनेट होता है उसमें टू प्रिंसिपल एंजाइम्स होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन है वो एक्सट्रीमली पावरफुल क्लॉटिंग एंजाइम होता है जो कि रैपिड क्लॉटिंग कॉज करता है विदाउट प्रोटोलिसिस किए बिना, ज़्यादा प्रोटोलिसिस किए बिना। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटोलिसिस को इंड्यूस करता है एंड बिटरनेस है जो चीज़ में उसको लीड करता है। जो रेनेट है वो हमें लिक्विड या फिर पाउडर फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। तो रेनेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको पहले तो हम ट्रू स्टमक है जो अबोमसम का यंग काफ होता है जो उससे लेते हैं, जिसे हम वेल भी बोलते हैं। जो लाइनिंग होती है स्टमक की उसे वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, पीसेस में कट किया जाता है एंड मर्सिरेट किया जाता है वाटर कंटेनिंग जिसमें 4% बोरिक एसिड हो 30°C पे 5 days के लिए। जो मिल्क फेड काव्स होते हैं वो प्योरेस्ट रेनेट हमें देते हैं, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिवली अ ब्राइन एक्सट्रैक्ट एट 15-20°C में भी प्रिपेयर्ड। जो कॉमन मेथड होता है ड्राई करने का वॉल्स को बाय इन्फ्लेशन एंड आफ्टरवर्ड कट देम इनटू स्ट्राइप्स एंड एक्सट्रैक्ट विद ब्राइन, ठीक है। तो जो प्रिजर्वेटिव है इसमें हम बोरिक एसिड को कॉमनली ऐड करते हैं। तो जो रेनिन है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो जो रेनिन है वो एक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसका एक पार्ट 5 million पार्ट्स ऑफ मिल्क को क्लॉट कर सकता है। चीज़ मेकिंग में 1 part ऑफ लिक्विड रेनिन को हम यूज़ करते हैं 5000 पार्ट्स ऑफ मिल्क में, ठीक है। ये एक एंजाइम है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से, केमिकल सब्सटेंस से या फिर किसी भी फिजिकल कंडीशन से। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एल्कली से एंड अगर हम इसे हीट करते हैं 70°C पे pH 6.8 to 7.0 तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है 40 minutes में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेनिन के एक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्टली टेम्परेचर, अगर 20°C से कम होगा टेम्परेचर, इससे कम, तो जो रेनिन है वो इनएक्टिव रहेगा। 30 to 48°C पे रेनिन एक्टिव रहेगा। 41° से ऊपर टेम्परेचर के ऊपर 41 to 50°C पे ये इसकी एक्टिविटी फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड है एसिडिटी, जो रेट है क्लॉटिंग का वो इंक्रीज़ होता है रैपिडली जब जब एसिडिटी इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी कैल्शियम आयंस, दीज हैव लिटल इफ़ एनी इफेक्ट ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेनिन एक्शन वाइल द कोगुलेशन ऑफ मिल्क इज़ अ वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। अगर हम कैल्शियम आयन को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्लाइडल कैल्शियम फॉस्फेट कंटेंट भी रेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ इनहिबिटरी सबस्टांस, कुछ क्लाइडल सबस्टांसेस होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं रेनिन की रेनिन कोगुलेशन में, जैसे कि एल्ब्यूमिन, सीरम पेप्टोन्स। एल्ब्यूमिन एंड जो ग्लोबुलिन है वो रिटार्ड कर देता है कोगुलेशन को एंड बॉइलिंग के कारण डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन्स की जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट को रिमूव करती है। 5% पेप्टोन होगा तो वो प्रिवेंट कर देगा क्लॉटिंग को। नेक्स्ट इज अ होमोजनाइजेशन, होमोजनाइजेशन एक्सरेट करेगी रेनेट के क्लॉटिंग को बट कर्ड टेंशन को ये डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट इज अ हीटिंग ऑफ मिल्क, हीट करेंगे अगर हम मिल्क की तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा रेनिन बट फिर भी ये क्लॉट कर देगा मिल्क को। मेजर रीजन फॉर दिस इज अ रिमूवल ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम आयन। तो अब हम रेनेट को ऐड कैसे करते हैं। रेनेट को हम
टेम्परेचर हो, जब रॉ मटेरियल जो मिल्क है उसका जो टेम्परेचर हो 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनेट एक्सट्रैक्ट यूज्ड सच बी एज टू फॉर्म कर्ड दैट इज फर्म इनफ टू कट इनटू 25-30 मिनट्स आफ्टर द एडिशन ऑफ रेनेट। जो अमाउंट है रेनेट की वो डिपेंड करती है, कितनी ऐड करनी है वो डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि रेनेट की स्ट्रेंथ कितनी है, टेम्परेचर क्या है मिल्क का, एसिडिटी ऑफ मिल्क, कंपोजिशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो जो यूजली लिक्विड रेनेट को हम ऐड करते हैं 15-25 ml 100 liter ऑफ मिल्क में, ठीक है। तो जो रेनेट है उसको हम डल्यूट करते हैं तो 20-40 times उतने ही उसके वॉल्यूम ऑफ वाटर को यूज़ करके, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है यूनिफॉर्म कोगुलेशन के लिए। तो मिल्क को थॉरली स्टिर किया जाता है एडिशन करने के बाद रेनेट की, एंड 3-5 minutes के लिए हम स्टिरिंग करते रहते हैं। तो अब हमने रेनेट ऐड कर दिया, उसके बाद कोगुलेशन होती है। कोगुलेशन का मतलब है जब लिक्विड मिल्क सेमी सॉलिड जंक्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसे कोगुलेशन बोलते हैं। इसका फर्स्ट साइन होता है कि जो बबल्स हैं वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, एयर के बबल्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं मिल्क के अंदर, एंड वो जो मिल्क की सरफेस होगी वो स्पैचुला से जब हम डिप करके देखेंगे, स्पैचुला मिल्क में डिप करेंगे तो स्मॉल फ्लेक्स हैं जो कर्ड के वो स्पैचुला के ऊपर आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कोगुलेशन होनी स्टार्ट हो चुकी है। जब कोगुलेशन हो जाती है तो उसके बाद कटिंग की जाती है। कटिंग रेफर्स टू द कटिंग ऑफ अ फर्म कोगुलेनम इनटू क्यूब्स ऑफ स्पेसिफिक साइज। फर्स्ट इज कर्ड को कट कब करना है। पहले हम ग्लास रॉड लेंगे जो कि सैनिटाइज की होगी, उसे इंसर्ट करेंगे 45 डिग्री एंगल पे कर्ड के अंदर, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्लीन ब्रेक हो रही है कर्ड की या फिर नहीं। अगर क्लीन ब्रेक हो रही है तो मतलब कर्ड है जो कटिंग करने के लिए रेडी है। अगर हम कटिंग है जो कर्ड की जल्दी कर दें तो उससे क्या होता है, जो यील्ड है चीज़ की वो कम हो जाती है। अगर ज़्यादा लेट कर दें कटिंग तो उससे डिफ़िकल्टी हो सकती है, मॉइस्चर एक्सप्लोजन है जो डिले हो सकता है। तो कर्ड कटिंग करने के लिए नाइफ्स यूज़ किए जाते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, वायर्स के स्ट्रिप्स होती हैं जो कि 6-9 mm की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है एंड बाकी सारे वर्टिकल होते हैं। तो मेथड क्या होता है कर्ड को कट करने का। फर्स्टली हम हॉरिजॉन्टल नाइफ है जो लेंथ वाइज उससे कर्ड को कट करेंगे, उसके बाद जो वर्टिकल नाइफ है लेंथ वाइज और विड्थ वाइज उससे कर्ड को कट करेंगे। सिनर्सिस ऑफ चीज़ कर्ड ये बोला जाता है जब एक्सप्लोजन होता है वे का एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है कर्ड का। एसिडिटी है जो कर्ड की आफ्टर कटिंग कितनी होती है, ये डिक्रीज हो जाती है 0.05-0.08% फ्रॉम दैट ऑफ मिल्क एट रेनेटिंग। स्टिरिंग कर्ड आफ्टर कटिंग, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2-3 minutes आफ्टर कटिंग जो कर्ड है उसको स्टिर नहीं किया जाता, देन उसके बाद जेंटली हम स्टिरिंग को स्टार्ट करते हैं। जो स्पीड होती है स्टिरिंग की वो इनक्रीज कर देते हैं, ग्रेजुअली फर्मिंग होने लगती है जब कर्ड क्यूब्स की, तब तक मैटिंग इज इंडिकेटेड ऑफ इनएडिक्वेट स्टिरिंग। तो कटिंग करने के बाद अब फिर हम कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग में हीट किया जाता है कर्ड के क्यूब्स को 15 मिनट के लिए कटिंग के बाद, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो रेगुलेशन है हीट का, जो हीट हम अप्लाई करते हैं वो पहले तो स्लोली अप्लाई की जाती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा रेज हो जाता है तो उससे केज हार्डनिंग हो सकती है कर्ड क्यूब्स की, एंड जो वाटर है वो अंदर ही इनसाइड ही लॉक्ड हो सकता है कर्ड क्यूब्स के अंदर। तो जो रेट है हीटिंग का, टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स के लिए हम करते हैं।
उसके बाद जो मैक्सिमम कुकिंग टेम्परेचर है वो 37 से 39 डिग्री सेल्सियस हो सकता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 4 मिनट। अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिक्वायर होती है फॉर चेडार चीज़ मेकिंग के लिए, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 37 से 39 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। टू हाई टेम्परेचर कर देंगे तो उससे सोरिंग रेट ज़्यादा होगा एंड एक्टिविटी है जो स्टार्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो भी रिड्यूस हो जाएगी एंड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कुकिंग करने के बाद ड्रेनेज की जाती है वे की, तो उसमें इसमें पहले हम रिमूव करते हैं वे को कर्ड में से। जो कर्ड क्यूब्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं जब 1/2 ऑफ देयर साइज एट कटिंग, तो जो एसिडिटी है वो डिज़ायरेबल लिमिट तक अप्रोच हो जाती है एंड डिज़ायरेबल जो कंसिस्टेंसी है क्यूब्स की वो अटेन हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो वे है उसको हम रिमूव कर देते हैं। वे को रिमूव करने के बाद शेडरिंग की जाती है चीज़ की। ठीक है, ये शेडरिंग दिस रेफर टू द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पैकिंग, टर्निंग, पाइलिंग एंड रीपाइलिंग ऑफ कर्ड क्यूब्स। फर्स्ट इज़ अ पैकिंग, जब बल्क ड्रेनेज हो जाती है वे की तो कर्ड क्यूब्स को हम क्लोजली टुगेदर रखते हैं टू हीप्स में विद अ चैनल इन बिटवीन, इसे हम पैकिंग बोलते हैं, जो कि 5 से 15 मिनट आफ्टर डिपिंग होती है। ठीक है, इसके कारण फॉर्मेशन हो जाती है टू लॉग स्लैब्स ऑफ कर्ड की। दीज आर कट विद चीज़ नाइफ इनटू ब्लॉक्स और स्ट्रिप्स 15 टू 20 सेंटीमीटर वाइड। तो उसके बाद हम टर्निंग करते हैं, जो ब्लॉक्स होंगे कर्ड के उनको विदाउट ब्रेकेज हम टर्न करते हैं, इसे हम टर्निंग बोलते हैं, जो कि 15 मिनट्स के बाद होगी टिल द कर्ड इज़ रेडी फॉर मिलिंग एंड सॉल्टिंग। नेक्स्ट इज़ द पाइलिंग एंड रीपाइलिंग। 30 से 40 मिनट ऑफ पैकिंग में हम ब्लॉक्स हैं जो कर्ड के वो टर्न करते हैं एंड लेड वन ओवर अनदर इन टॉस एंड थ्रीज, दिस इज़ कॉल्ड पाइलिंग। देन द पोजिशन ऑफ कर्ड ब्लॉक्स इज अल्टर्ड, दिस इज़ कॉल्ड रीपाइलिंग। जो शेडरिंग ऑपरेशन है वो 2 आवर्स या फिर 2 आवर्स से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर मॉइस्चर कंट्रोल बट ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग बॉडी एंड टेक्सचर। शेडरिंग आफ्टर शेडरिंग जो कर्ड है वो ड्रायर हो जाती है, मोर मेलो हो जाती है, सिल्की हो जाती है एंड जो सॉर्बो रबर लाइक मटीरियल में चेंज हो जाती है टू वन रिजेंबलिंग चिकन ब्रेस्ट मीट। इन द लेटर स्टेजेस इट टेंड्स टू टीयर अपार्ट इन फाइब्रस शर्ट्स एंड डिवेल्प अ करेक्टरिस्टिक नटी और बटरी अरोमा द एंड ऑफ शडरिंग ऑपरेशन। तो जो टाइट्रेबल एसिडिटी होती है शडरिंग ऑपरेशन में वो 0.30 से 0.35 के बीच में होनी चाहिए। हॉट आयरन टेस्ट जो हमें बताता है लॉन्ग थ्रेड्स होने चाहिए 12 mm एंड स्लाइटली ज़्यादा हो सकता है जो थ्रेड्स हैं। पीएच होनी चाहिए 5.4। शेडरिंग करने के बाद हम मिलिंग करते हैं। जो मिलिंग ऑपरेशन है ये मैकेनिकल ऑपरेशन है जो कि कट करता है ब्लॉक्स को, छडर चीज़ होंगे जो उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ चीज़ मिल। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो रिमूव हम वे को और ज़्यादा रिमूव कर सकें उसको प्रमोट करने के लिए हम मिलिंग करते हैं। टू अनेबल क्विक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉल्ट इन द कर्ड, टू प्रिपेयर कर्ड द प्रेसिंग फॉर प्रेसिंग इनटू फाइनल फॉर्म। और इसमें कौन कौन से टाइप के हम मिल यूज़ करते हैं, मिल है जो वो बाय हैंड बी हैंड भी हो सकती है और पावर ड्राइवन भी हो सकती है। मिलिंग नॉर्मली रिलीजेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वे फ्रॉम द कर्ड। मिलिंग के बाद जो कर्ड पीसेज हैं मे बी रिंस्ड विद वाटर टू इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन फॉर सॉल्टिंग एंड प्रेसिंग। मिलिंग करने के बाद हम सॉल्टिंग करते हैं। सॉल्टिंग में हम कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हैं कर्ड पीसेज में, जो कि जो सॉल्ट है चीज़ में वो इफ़ेक्ट करता है फ्लेवर को, बॉडी को, टेक्स्चर को एंड उसकी कीपिंग क्वालिटी को। जो विदाउट सॉल्ट चीज़ है वो सॉफ्ट रहता है, राइपन हो जाता है क्विकली एंड अनप्लीजेंट फ्लेवर भी डेवलप हो जाता है।
तो इसके भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि इससे क्या होता है, फर्दर रिमूव हो जाता है जो वे होती है, हार्डनिंग एंड जो श्रिंकेज है कर्ड की वो हो जाती है, फर्दर जो फॉर्मेशन होनी होती है लैक्टिक एसिड की वो भी रिटार्ड हो जाती है। तो इसमें हमें जो 1-2% सॉल्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो वो सॉल्ट ऐड करने के 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट एडिशन और रबिंग सॉल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट जो डायरेक्ट एडिशन होता है उसमें हमने 1/3 ऑफ द कैलकुलेटेड अमाउंट है जो सॉल्ट की लेनी है एंड ऐड कर देना है उसको कर्ड में इन द वॉट इन 3 एप्लीकेशंस। उसके बाद रबिंग सॉल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द चीज़, देन फ्लोटिंग द चीज़ इन 80-20% ब्राइन। सॉल्टिंग करने के बाद हम हुपिंग करेंगे कर्ड की। ठीक है, तो जो हुपिंग है वो द कर्ड बीइंग प्लेस्ड इन हुप्स और मोल्ड इन विच द चीज़ कर्ड इज प्रेस्ड इनटू इट्स फाइनल शेप। तो कर्ड के पीसेस को हम हुप्स में डालते हैं, उसके बाद उनको प्रेस किया जाता है उसकी फाइनल शेप आने तक। टेम्परेचर क्या होना चाहिए एट हुपिंग, 30-32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो फैट का लॉस हो सकता है, फ्लेवर एबनॉर्मल हो सकता है, बैक्टीरियल डिफेक्ट भी आ सकते हैं। हुपिंग करने के बाद ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग इज रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द चीज़ क्लॉट्स बिफोर एंड आफ्टर प्रेसिंग। ड्रेसिंग करने के बाद प्रेसिंग की जाती है। ये ऑपरेशन है ऑफ फोर्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ मिल्ड एंड सॉल्टेड कर्ड इनटू द हुप इनटू द स्मॉलर पॉसिबल स्पेस। प्रेसिंग में हम चीज़ को फाइनल शेप देते हैं। तो जो कर्ड है उसको प्रेस किया जाता है 2 स्टेजेस में, प्रीलिमिनरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज और फाइनल प्रेसिंग। ठीक है, प्रीलिमिनरी और फर्स्ट प्रेसिंग में जो शेप है चीज़ की वो रिड्यूस हो जाती है उसके फाइनल वॉल्यूम तक। ठीक है, जो कि 30-60 मिनट्स लगते हैं जब चीज़ ड्रेस्ड हो जाता है। उसके बाद फाइनल प्रेसिंग की जाती है आफ्टर ड्रेसिंग, जो कि 6-20 आवर्स लगते हैं फाइनल प्रेसिंग में। उसके बाद ड्राइंग की जाती है। दिस इज़ डन फॉर रिंड फॉर्मेशन इन चीज़, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें पहले हम चीज़ को हुप में से लेंगे, उसके बाद चीज़ को नीटली एंड क्लीनलेस फॉर्म में है जो यूनिफॉर्म साइज एंड शेप को अच्छे से हुप में से चीज़ को रिमूव करेंगे, स्टम्पिंग द चीज़ एंड कीपिंग चीज़ इन द ड्राइंग रूम, जो कि 12-16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम चीज़ को रखेंगे फ्यू डेज़ के लिए। एंड जो चीज़ है उसको टर्न करते रहेंगे 24 आवर्स के इंटरवल के बाद बोथ एंड से एंड साइड ऑफ द चीज़ से। तो उससे क्या होगा कि ड्राई है जो चीज़ है जो डिज़ायर्ड रिंड की फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ पैराफिनिंग। दिस रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ डिपिंग द चीज़ फॉर अ फ्यू सेकेंड इन अ बाथ ऑफ मेल्टेड पैराफिन, वेयर बाय अ थिन कोटिंग ऑफ पैराफिन इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द चीज़। तो इसमें क्या होता है, चीज़ को हम फ्यू सेकंड्स के लिए मेल्टेड पैराफिन में डिप करके रखते हैं, तो उससे थिन कोटिंग हो जाती है पैराफिन की सरफेस ऑफ द चीज़ पे। तो इसको करने के कुछ कारण होते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट है जो चीज़ का वो रिड्यूस भी ना हो, गेन भी ना हो। ठीक है, एंड जो मोल्ड की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, इंसेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए चीज़ को हम पैराफिनिंग करते हैं। तो इसमें पैराफिनिंग के लिए पैराफिन वैक्स यूज़ की जाती है, जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं का प्रोडक्ट होता है। इसको हम मेल्टिंग पॉइंट है जो पैराफिन वैक्स का वो 51-52 डिग्री सेल्सियस होता है। माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड फ्लेक्सिबल वैक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले तो जो पैराफिन वैक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको मेल्ट किया जाता है स्टील टैंक में। ओनली दैट द क्वांटिटी ऑफ पैराफिन इज़ यूज्ड विच अवॉइड ओवरफ्लो व्हेन द चीज़ ब्लॉक्स आर डिप्ड इन इट। उसके बाद चीज़ ब्लॉक्स को रखा जाता है
on metal racks on which the blocks rest on their curved surface while being dipped. उसके बाद टेम्परेचर है जो लिक्विड पैराफिन का टैंक में 104 से 121 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, 104 से 121 डिग्री सेल्सियस. बोथ ओवरहीटिंग एंड अंडरहीटिंग आर अवॉइडेड फॉर बेस्ट रिजल्ट. उसके बाद जो चीज़ के ब्लॉक्स हैं उसको हम डिप्ट करते हैं क्विकली एंड कम्प्लीटली, एंड 5 सेकेंड्स के लिए हम पैराफिन के अंडर रखते हैं चीज़ के ब्लॉक्स को. उसके बाद हम 10 सेकेंड्स के बाद अलॉक ड्रेन कर देते हैं पैराफिन, जो है सारी जितनी उसमें कोटिंग होनी थी उतनी हो जाती है विदाउट रबिंग ऑफ. पैराफिनिंग करने के बाद क्योरिंग एंड फ्रीजिंग करनी होती है. जो क्योरिंग है, राइपनिंग या फिर सोरिंग या फिर मच्योरिंग है चीज़ की, रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ चीज़ फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ एट द गिवन लो टेम्परेचर 0 to 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ड्यूरिंग विच इट इज़ फिजिकली केमिकली एंड बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर परफाउंडली चेंज्ड, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर बॉडी एंड टेक्सचर. जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है छडार चीज़ का वो -4 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेश चीज़ के लिए, एंड -14.5 डिग्री सेल्सियस होता है जो चीज़ 1 साल से ज़्यादा ओल्ड है उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर उसका -14.5 डिग्री सेल्सियस होता है. तो अब हमने पढ़ा डिटेल्ड में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ चढ़ार चीज़. अब हम पढ़ेंगे मॉइस्चर को कैसे कंट्रोल किया जाता है चढ़ार चीज़ में. फर्स्ट इज़ जो कॉगुलेशन पीरियड है वो इंक्रीज़ करता है. अगर इंक्रीज़ करते हैं हम कॉगुलेशन पीरियड को तो मॉइस्चर कंटेंट है जो चीज़ में वो बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा. सेकेंड इज़ अ कर्ड पार्टिकल साइज़. तो जो कर्ड के पार्टिकल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो कुकिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड मॉइस्चर कंटेंट भी चीज़ का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. थर्ड इज़ द कुकिंग टेम्परेचर. अगर हम कुकिंग टेम्परेचर को रेज़ करते हैं तो उससे मॉइस्चर एक्सप्लोजन भी रेज़ होता है, जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन है जो स्टार्टर के द्वारा होनी थी वो भी रिड्यूस हो जाती है, एंड रिवर्स इफ़ेक्ट होता है मॉइस्चर एक्सप्लोजन पे, जो कि ओवरऑल इफ़ेक्ट करता है बाकी वेरिएबल्स को. नेक्स्ट इज़ अ ड्राई स्टिरिंग बिफोर शेडरिंग. तो ये भी मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करती है. नेक्स्ट इज़ अ सॉल्टिंग. सॉल्टिंग के कारण अगर ज़्यादा सॉल्ट हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा मॉइस्चर को एक्सपेल करता है, एंड वाइस वर्सा. एंड इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है. आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.